हेलो एलिस, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है अप्रैल के फोर्थ वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल। सेवन ऑफ अर्थ, थ्री ऑफ एयर, क्वीन ऑफ एयर, सेवन ऑफ फायर। तो हमारे पास थ्री ऑफ एयर है। थ्री ऑफ एयर के साथ लगता है आप में से ज्यादातर लोग एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त। आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कोई होप नहीं है, या फिर इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। आप शायद किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। सेवन ऑफ अर्थ के साथ ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन कब आपकी तरफ देखेगा, या कब आपको अप्रोच करेगा, कब आपसे बातें करना शुरू करेगा, क्योंकि फिलहाल ये पर्सन क्वीन ऑफ एयर बन के बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी सुनना नहीं चाहते, ये कुछ भी कहना नहीं चाहते, एंड वो भी बेवजह। ये क्वीन ऑफ एयर यहाँ पे बेवजह ही शायद किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है या बढ़ा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई रियल रीजन नहीं है, और फिर भी ये पर्सन इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। आप बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करते रहे हैं, और फिर भी ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि आप उन्हें अपने लिए कितना जरूरी समझते हैं, या फिर कितने इम्पोर्टेंट हैं आप उनके लिए और वो आपके लिए। कहीं ना कहीं इस पर्सन की सबकॉन्शियस फीलिंग्स अभी सरफेस पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन और आपके बीच कोई कनेक्शन नहीं है या इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, पर फिलहाल ये पर्सन पूरी तरह से डाइवर्टेड है। इनके सोचने का तरीका बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहे हैं। आप चाहे जितना भी कोशिश करें, जितने भी कॉम्प्रोमाइजेस करें, इस पॉइंट पे ये पर्सन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे सेवन ऑफ फायर भी है। सेवन ऑफ फायर के साथ ये वक्त है अपने लिए स्टैंड करने का, अपने आप को संभालने का, क्योंकि आप ये कर सकते हैं। शायद आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, अब इस वेट को खत्म कीजिए। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ है, आप एक पॉइंट पर खड़े क्यों हो गए हैं। लाइफ को प्रोग्रेस करने दीजिए, यूनिवर्स को आपके लिए रास्ता बनाने दीजिए, यूनिवर्स को ये शो करने दीजिए कि आप क्या डिजर्व करते हैं, और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से आप टायर्ड हो चुके हैं, खासतौर से थ्री ऑफ एयर के बाद। इस सेपरेशन के बाद आप बहुत हारा हुआ सा महसूस कर रहे हो सकते हैं, पर ये सिर्फ टेम्पोरी फीलिंग्स है। आप डेप्थ में जाके सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं और क्या डिजर्व करते हैं। और सेवन ऑफ एयर के साथ यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको एक वॉरियर बनना चाहिए, और यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा। आप शायद लोगों से मिल नहीं रहे, या किसी और पर्सन के बारे में सोच नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको फोर्स कर रहा है कि आप मूव ऑन कीजिए या किसी और को चूज कीजिए। ये आपकी चॉइस है पर्सनली, एंड ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। पर सेवन ऑफ फायर के साथ
डेफिनेटली आप लाइफ को एंजॉय तो कर ही सकते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में आने दीजिए और लोगों से मिलिए, एटलीस्ट जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको हेल्प करेगी इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of water, six of fire, six of earth, and five of water. तो हमारे पास six of fire है। six of fire के साथ आप इस journey को successfully पूरा कर जाएंगे। अभी आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा या आप इस पेन को झेल नहीं पाएंगे, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस पर्सन के बिना, या फिर आपके अंदर अर्ज हो सकती है, ये इच्छा हो सकती है कि आप अपनी तरफ से अप्रोच करने की कोशिश करें, पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि फिलहाल ये करने का वक्त नहीं है। ओके, क्योंकि आप सिक्स ऑफ अर्थ के साथ ऑलरेडी बहुत रिच हैं, यानी कि आप के पास वो हर चीज है जिसकी जरूरत किसी को हो सकती है। यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, फाइनेंसेस, हर तरीके की चीज की यहाँ बात हो रही है, एंड आप हर तरीके से कंप्लीट हैं। सूनर और लेटर इस पर्सन को आपकी जरूरत पड़ेगी, एंड शायद आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि ये पर्सन आपके लिए अभी रेडी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको डिजर्व नहीं करता, लेकिन इस पॉइंट पे ये पर्सन बिल्कुल भी आपके लिए रेडी नहीं है। ये इमैच्योरिटी के साथ पेश आ रहे हैं, तो इस वक्त अच्छा होगा कि आप दूसरी चीजों पे फोकस करें, अपने लाइफ को एंजॉय करें, अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फाइव ऑफ वाटर के साथ आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है। ये जो भी वक्त आपके पास था अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, नई चीजें शुरू करने के लिए, नई चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए, वो आपने बस यूं ही वेट करके गुजार दिया, इंतजार करते हुए, इस पर्सन के लिए परेशान होते हुए, इस डिप्रेशन में, और बाद में आपको लगेगा कि इन सब से आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। इस वक्त को आप और भी तरीकों से यूज कर सकते थे और अपने आप को इवॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। अनबाउंड, Releasing soul patterns, contracts and past lives. आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त आपको अपने दायरों से बाहर आने की जरूरत है। आपने अपने आप को कन्फाइन कर लिया है, आपने अपने आसपास बाउंड्री बना ली है कि मुझे बस अब कुछ नया नहीं चाहिए। मैं अपना सारा टाइम इस पर्सन के बारे में सोचते हुए या सोचती हुई गुजारना चाहती हूँ, इस पर्सन के वेट में अपना टाइम काट दूंगी या काट दूंगा, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं। इस तरह से मत सोचिए, आप इसलिए नहीं बने थे। अनबाउंड के साथ
आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके साइड या आपके पक्ष में जो चीजें हो रही है उस पर फोकस कीजिए, और जरूरी है कि आप इस कार्मिक डेट से अपने आप को फ्री करें और इस बॉन्ड से बाहर आए, इस बाउंड्री से। तो ये है रीडिंग अप्रैल की फोर्थ वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।